welcome to the yet another session on the subject system analysis and design the topic of today's discussion is decision table in our previous lectures we were discussing various data and process modeling techniques we have already discussed the system flow charts data flow diagrams data dictionary and decision tree today we will be discussing decision table so let's start the discussion with the introduction to the decision table डिसीजन टेबल इज अ ग्राफिकल वे टू मैप कंडीशन अगेंस्ट एक्शंस तो डिसीजन टेबल जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करने का कंडीशन और उनके अगेंस्ट एक्शन को इट एक्सप्रेसेज द फैक्ट दैट सर्टन एक्शन आर टू बी परफॉर्म ओनली इफ सर्टन कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो ये बेसिकली एक्सप्रेस करता है कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं वो तभी परफॉर्म किए जा सकते हैं जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो द डिसीजन टेबल डिस्क्राइब्स द सेम इंफॉर्मेशन एज इन द डिसीजन ट्री बट इन अ टेबुलर फॉर्म सेम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है जो इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजन ट्रीज में लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है Decision tree में हम फॉर्म uh, यूज uh, करते, तो करते हो तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन uh, है आपकी वो कॉम्पैक्ट हो जाती है जितनी रिप्रेजेंटेशन आपकी कॉम्पैक्ट होती है उतना उसको रीड करना इजी हो जाता है तो इसीलिए जो जो आपके डिसीजन टेबल्स हैं दे आर बेटर टूल टू रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंडीशंस क्योंकि जैसे-जैसे डिसीजन ट्री या फ्लो चार्ट्स की दिक्कत क्या है जैसे-जैसे आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता रहता है उसको ड्रा करना उसको अपडेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और जैसे-जैसे सिस्टम -जैसे uh, का साइज इंक्रीज होता है वैसे-वैसे आप उसको एक छोटी सी जगह में आप उसको शो नहीं कर सकते फ्लो चार्ड को और डिसीजन ट्रीज को ड्रॉ नहीं कर सकते लेकिन जो आपका डिसीजन टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स टेबुलर फॉर्म यू कैन नो प्रेजेंट द हाई अमाउंट ऑफ द डेटा हाई अमाउंट ऑफ द कंडीशन इन अ वेरी कॉम्पैक्ट व्यू तो चलिए अब बात करते हैं द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ द डिसीजन टेबल तो डिसीजन जो टेबल है आपके उसके चार मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं दिस इज द टॉप लेफ्ट क्वार्रेट नंबर वन दट इज कॉल्ड कंडीशन स्टब इसमें हम अपनी सारी जो कंडीशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं द लोअर लेफ्ट क्वार दट इज कॉल्ड द एक्शन स्टब जिसमें हम अपने सारे एक्शन को लिस्ट करते हैं द टॉप राइट क्वार नंबर थ्री कंडीशन एंट्री जिसमें हम अपनी सारी कंडीशन की एंट्री करते हैं और मीन्स हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं जो कंडीशन सब में कंडीशन होती है जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हम कंडीशन एंट्री में देते हैं और उन कंडीशन एंट्री में उन आंसर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्शन होते हैं दे आर लिस्टेड इन द एक्शन एंट्री दैट इज द राइट बॉटम क्वाड्रेंट तो ये हो गया टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट कंडीशन स्टब ये हो गया बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट एक्शन स्टब द थर्ड इज टॉप राइट क्वाड्रेंट कंडीशन एंट्री एंड द बॉटम राइट क्वाड्रेंट एक्शन एंट्री तो जैसा मैंने आपको बताया स्टब इट लिस्ट ऑल कंडीशन टू बी चेक तो इसमें हम सारी वो कंडीशन रखते हैं जिसको हमने चेक करना है तो एक्शन स्टब में बेसिकली वी आउटलाइन ऑल द एक्शन टू बी कैरड आउट टू मीट द सच कंडीशन तो कंडीशन स्ट में सारी स्टब में वो सारी Conditions आ गई में हमने वो सारे actions outline कर लिए जो हम, हम जो carried out होने चाहिए कंडीशन हैं उनके आंसर हम लिखेंगे इन आर कंडीशन एंट्री तो कंडीशन एंट्री में हमारे कंडीशन स्टब के जितने क्वेश्चंस थे उनके आंसर मिल जाएंगे और कंडीशन एंट्री में जो हमने आंसर स्टोर करे हैं उनके जो एप्रोप्रिएट एक्शन है रिजल्टिंग दे विल बी रिप्रेजेंटेड इन द एक्शन एंट्री तो चलिए आप डिस्कस करते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन टेबल नाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रॉपरली डिफाइन द प्रॉब्लम तो डिसीजन टेबल कंस्ट्रक्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन द प्रॉब प्रॉपरलीउटीशन टू बी टेस्टेडी होंगी उनको जो एक्शन लेने हैं उनको लिस्ट कीजिए एंड फोर्थ देन फॉर्म अ डिसीजन टेबल यूजिंग दू लिस्ट टू लिस्ट मीन दो लिस्ट है आपके पास कंडीशन और एक्शन उनको यूज करके फिर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए डिसीजन टेबल सो लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ द डिसीजन टेबल तो हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है लॉग इन की तो सिस्टम लॉग इन के लिए आपको दो चीजें आप पास करनी पड़ेंगी यूजर नेम एंड द सेकेंड इज पासवर्ड आप देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टोटल uh, कितनी कंडीशन हो सकती हैं और उन कंडीशन के अगेंस्ट कौन कौन से एक्शन होंगे तो कुछ चीजें मैं यहां पे पहले ही स्पेसिफाई कर दूंगा टी मीन्सर टी मीन्स ट्रू ट्रू मीन्स करेक्ट एफ मीन्स फॉल्स फॉल्स मीन्स रॉन्ग या इनकरेक्ट ई मीन्स एरर एंड एच मीन्स होम स्क्रीन मीन्स लॉग इन वो एक्शन जिसमें लॉग इन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको होम स्क्रीन प्लेयर हो जाएगी सो लेट्स कंसिडर एच एज सक्सेस सो टी इज ट्रू मीन्स करेक्ट एफ मीन्स फॉल्स मीन्स रॉन्ग या इनकरेक्ट तो so मैं मार्क कर ही देता हूं यहां पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप सारी कंडीशंस को देखिए चलिए चेक करते हैं रूल वन रूल वन का कॉम्बिनेशन क्या है यूजर नेम है फॉल्स मीन्स रॉन्ग पासवर्ड है फ़ॉल्स तो आउटपुट क्या होगी एरर रूल टू यूजर नेम इज करेक्ट बट पासवर्ड इज फॉल्स मीन्स रॉन्ग द आउटपुट विल बी एरर देन द थर्ड कंडीशन कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, यूजर नेम इज़ फ़ॉल्स, पासवर्ड इज करेक्ट बट अगेन द आउटपुट विल बी एरर. सो इट मीन्स अब इस केस में जो होम स्क्रीन है या सक्सेस का एक्शन कब परफॉर्म होगा जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा यूजर नेम ट्रू पासवर्ड ट्रू तो इन फोर्थ रूल वी हैव दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जिससे हमें सक्सेस मिलेगी और अब वो कॉम्बिनेशन क्या है यूजर नेम ट्रू पासवर्ड ट्रू एक्शन होम स्क्रीन मींस सक्सेस सो अब कॉम्बिनेशन क्या है यूजर नेम ट्रू होना चाहिए पासवर्ड ट्रू होना चाहिए तभी आपका सिस्टम जो सक्सेसफुली लॉग इन करेगा सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द डिसीजन टेबल टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द डिसीजन टेबल

लिमिटेशन की बात करें तो सबसे बट पहली जो लिमिटेशन है तो जैसे जैसे आपका टेबल बड़ा होता जाएगा उसको मॉडिफाई करना मुश्किल होता जाएगा आप फ्लो चार्ट जो होते हैं उसमें आप सारे सिस्टम के सीक्वेंस को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में आप सभी सीक्वेंस आप सभी इवेंट्स को कवर कर सकते हो वो भी सीक्वेंस वाइज लेकिन डिसीजन टेबल में ये प्रोविजन नहीं होती एंड द थर्ड लिमिटेशन इज